टॉपिक चला था हमारा ट्यूरिंग मशीन डिजाइनिंग का। लास्ट लेक्चर हमने शुरू किया था तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल करते हैं कुछ और ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने के। अगला है डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज ऑल स्ट्रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ एज। अच्छा, इससे पहले आप हमने इवन नंबर ऑफ द वंस का किया था लास्ट लेक्चर में, तो लगभग उसी की तरह है। अब क्या होगा कि आपके पास एक स्टेट है क्यू नॉट, आपको ए मिल जाता है तो आप ए पर क्या होगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये क्या है ऑड नंबर, जैसे इवन मिले आप यहाँ पहुंच जाइए ए। तो अब इस ए को रिप्लेस कर दीजिए सपोज से एक्स और मूव कर गए राइट में, से इसको एक्स और मूव कर गए आप राइट में। जैसे ही आपके पास ऑड खत्म होगा आप किस पर होंगे फाइनल स्टेट्स पर होंगे। तो ऑड पर आप फाइनल स्टेट्स पर होंगे और इवन पर आप कहाँ पर होंगे सीधा क्यू नॉट पर होंगे। तो सारी की सारी आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स के अंदर जहाँ आपके पास ओनली एक ही स्ट्रिंग्स होगी एक, तो ये तो स्ट्रिंग्स में अगर आपके पास ऑड नंबर्स ए होंगे तो ये पूरी एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है आपके पास कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन विच एक्सेप्ट एक्सेप्ट विच एक्सेप्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन एल इज इक्वल टू 0 to the power n, 1 to the power n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक तरीके से यहाँ एक लैंग्वेज दिए, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको चाहिए। तो अच्छा, आप लैंग्वेज अगर देखें तो सपोज अगर हमने n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर 4 ले लिया से तो ये क्या होगा 4 0 और 4 1 4 1। अब हमें ये डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 0 को रीड करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग इस 1 को रीड करूंगा। सपोज इसको मैंने से कर लिया एक्स, तो इसको मैंने वाई कर दिया। अब इसके बाद मैं वापस आऊंगा यहाँ, तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही बना के चल रहे हैं। स्टार्ट हुए क्यू नॉट से, हम मैंने रीड किया फर्स्ट 0, 0 को एक्स बना दिया और राइट मूव कर गया, राइट मूव कर गया। तो राइट मूव करने पर अब ये 0 मिलेगा, तो 0 मिलेगा इसको रीड करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो अब जितने भी 0 मिलेंगे 0 को 0 ही रहने देंगे, इसको 0 को चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले 0 को एक्स चेंज कर दिया। तो फर्स्ट 0 है इसको तो एक्स कर दिया हमने, ये एक्स हो गया, दिस इज एक्स, ये एक्स बन गया और हम राइट मूव कर गए। अब 0 को 0 ही रहने दिया और राइट मूव करते गए राइट। जैसे ही 0 खत्म होंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा मुझे, तो 0 फिनिश होने पर मुझे क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। तो 0 खत्म होगा तो मैं 1 को रीड करूंगा और 1 को वाई कर दूंगा, इस 1 को वाई कर दिया। अब ये वाई हो गया, 0 को मैं यहाँ रीड करके आया, यहाँ रीड करके आया, फिर यहाँ पहुंच गया, तो इसको मैंने वाई कर दिया। अब मैं यहाँ हूँ, इसके बाद मुझे आगे नहीं आना, मुझे कहाँ जाना है पीछे जाना है, मीन्स लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट क्यों मूव करना है, क्योंकि मेरे पास एक 0 के करस्पॉन्डिंग एक 1 मिल चुका था, अब मुझे नेक्स्ट 0 चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट 1, तो मैं इधर मूव करूंगा। जब इस साइड मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो मैं कहूंगा जब तक मुझे 0 मिले 0 को 0 ही रहने दें और मैं लेफ्ट मूव करता चला जाऊं। तो अब जैसे ही मैं लेफ्ट मूव करके आया यहाँ, मैं इसको फिर से फेयर करके बना ले रहा हूँ, एक्स 0 0 0, वाई 1 1 1, ये इस टाइप हो चुका है। जैसे ही वाई बनाया तो आप यहाँ आ गए, सपोज दिस इज Q1 Q2, अब Q2 पर आ गया। अब आपने Q2 पर क्या रीड किया, 0 0 रीड किया, तो आपने कहा कि फिर से लेफ्ट मूव कर जाए, 0 को 0 रहने दो, लेफ्ट लेफ्ट मूव करके आप कहाँ पहुंच गए अब Q3 पर। अब ये प्रोसेस आते रहेगा, 0 0 मैंने तो 4 लिया था, ये n है बहुत हो सकते हैं, तो एक लूप लगा दिया मैंने यहाँ कि जब तक 0 मिले 0 को 0 ही रहने दें और लेफ्ट मूव करते रहे, लेफ्ट मूव करते रहेंगे, लेफ्ट मूव करते रहेंगे। तो लेफ्ट मूव करा, फिर लेफ्ट मूव करा, 0 0 0, ये लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट मूव करते हुए एक्स मिल जाएगा। तो जैसे ही एक्स मिलेगा वैसे ही मैं फिर से इनिशियल स्टेट पर आ जाऊँ, एक्स को मैं कुछ ना करूं, इनिशियल स्टेट पर आ जाऊं और मैं एक आगे बढ़ जाऊं।
तो जब x मिल जाएगा तो x को x ही रहने दूं और राइट मूव कर जाऊं, तो राइट मूव करने का क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा। x से जब मैं x पर था तो राइट मूव करा, मैं कहां पहुंच गया, जीरो पर। अब फिर से प्रोसेस शुरू हो गया, जीरो को x कर दो, तो ये जीरो x हो गया, मैं इस जीरो पर था, ये जीरो x हो गया और राइट मूव कर गया, राइट मूव करके मीन्स मैं नेक्स्ट जीरो पर आ गया। फिर लूप के थ्रू जीरो को जीरो रहने दिया, राइट मूव कर गया। अब वन नहीं मिला मुझे, यहां पर वन मिलना चाहिए, तो वन नहीं मिला मुझे, क्या मिल गया, वाई मिल गया। देखो जीरो जीरो राइट मूव, तो वाई मिला, वन नहीं मिला, यहाँ नहीं पहुंचाओ तो y, तो मैंने यहीं पर एक लूप लगा दिया कि y भी कई मिलते रहेंगे जब तक तो y होता रहेगा ये, तो y को y रहने दें और राइट मूव कर जाए, उस y को y रहने दिया राइट मूव, y को y रहने दिया राइट मूव, तो राइट मूव करने पर वन मिला। अब इस x के करस्पॉन्डिंग इस वन को क्या करना है मुझे, y करना है, तो वन मिला, वन को y कर दिया और लेफ्ट मूव कर गया, तो लेफ्ट मूव करने पर अब मैं नीचे आरो बना रहा हूँ, इस साइड आ गया इस वाले y पर। अब तो जीरो नहीं मिला है, अब मुझे क्या मिला है, y मिला है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक लूप रिपीट होगा आपके पास, यहाँ भी लूप रिपीट होगा, तो y मिलेगा, बट ये किस साइड, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो y मिला, y को y रहने दिया और लेफ्ट मूव कर गया, क्योंकि y बहुत हो सकते हैं, वन जितने भी y होते चले जाएंगे, तो ये तो फर्स्ट टाइम मिला है, तो y को y रहने दिया लेफ्ट मूव करके। अब लेफ्ट मूव कहाँ गया, जीरो पर, जीरो को जीरो रहने दिया मैंने, जीरो को जीरो रहने दिया और कहाँ मूव करके, लेफ्ट में, फिर जीरो मिला, जीरो पर लूप पर आ गया, जीरो को जीरो रहने दिया, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में क्या मिल गया, एक्स, एक्स मिल गया, तो एक्स को एक्स रहने दिया, राइट मूव, राइट मूव करके अब इस जीरो पर आ गए हैं, सेकंड वाले पर, तो एक्स एक्स जीरो जीरो, वाई वाई वन वन। अब मैं फिर से यहाँ आ गया, यहाँ क्यू नॉट पर जीरो मिला, तो इस जीरो को एक्स कर दिया मैंने, फिर मैं आगे बढ़ गया, मीन्स यहाँ पर पहुंच गया लूप के थ्रू, फिर वाई मिला, वाई को वाई रहने दिया, राइट मूव कर गया, फिर वाई मिला, वाई को वाई रहने दिया, राइट मूव करा, फिर मुझे क्या मिला, वन। तो जैसे ही मुझे वन मिलेगा, तो वन को वाई कर दिया मैंने और मैं लेफ्ट मूव कर गया, तो मैं नीचे बना रहा हूँ लेफ्ट, लेफ्ट मूव कर गया, ये मूव खत्म, ये वाई मिल गया। अब इस वाई को वाई रहने दे, फिर लेफ्ट मूव, वाई को वाई रहने दिया, लेफ्ट मूव, फिर मुझे क्या मिला, जीरो, जीरो मिला, तो मैं जीरो को क्या कर दिया मैंने, जीरो रहने दिया, फिर लेफ्ट मूव, आ गया एक्स पर, एक्स को एक्स रहने दिया, अब राइट मूव, तो राइट मूव करके कहाँ पहुंचा मैं, फिर से यहाँ पहुंच गया, ये खत्म। जब यहाँ पहुंचा तो क्या मिला मुझे, ये जीरो, जीरो को एक्स कर दिया, इस जीरो को मैंने एक्स कर दिया, मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ इसको, एक्स 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 जीरो, वाई 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 वन, तो ये एक्स हो गया जीरो, ये जीरो एक्स हो गया, राइट मूव कर गए। अब राइट पर क्या मिला, वाई, तो वाई को वाई रहने दिया, फिर राइट, फिर वाई को वाई रहने दिया, फिर राइट, फिर वाई को वाई रहने दिया, फिर राइट, फिर क्या मिल गया, वन। जैसे ही वन मिला, वन को वाई कर दिया और लेफ्ट मूव, अब लेफ्ट में ऊपर बना देता हूँ, तो इस वाई पर आगे, वाई को वाई लेफ्ट मूव, वाई को वाई लेफ्ट मूव। अब लेफ्ट मूव करने पर जीरो नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, एक्स। अगर एक्स मिल गया, इसका मतलब सारे जीरो खत्म हो जाएंगे, सारे जीरो जब खत्म हो गए तो सारे वाई भी खत्म हो जाने चाहिए, पूरी स्ट्रिंग क्या थी मेरे पास, जो इनिशियल स्ट्रिंग थी वो मेरे पास थी जीरो 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 वन 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 वन। आपको बताया कि लास्ट में जब स्ट्रिंग खत्म होती है तो बी होते हैं आपके पास, बी बी रहता है, बी 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 स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, ब्लैंक रहता है, तो ये स्ट्रिंग है उसके ऐसे ब्लैंक रहेगा, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी बी मिलना चाहिए, बी बी हो जाएगा, कब होगा, भी जब ये पूरी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो अब जीरो नहीं मिला, जीरो नहीं मिला मुझे, क्या मिला, ये एक्स मिला, एक्स मिला, तो मुझे ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो मैंने एक्स को एक्स ही रहने दिया, राइट मूव कर गया, तो मेरी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग क्या थी, मैं इस साइड बना देता हूँ, स्ट्रिंग थी मेरी एक्स 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 एक्स, वाई 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 वाई, और स्ट्रिंग खत्म होती तो वी, तो जब ये एक्स मिला तो एक्स को एक्स ही रहने दिया, राइट मूव करा, राइट मूव करने पर कहाँ पहुंच गए हम, वाई पर। अब वाई मिला तो वाई को वाई रहने दे, फिर राइट मूव करें, आगे बढ़ते चले जाना हम, ये तो वाई को वाई रहने दिया, राइट मूव, तो जितने भी वाई है उस सबको क्रॉस करो। अब सपोज ये क्यू फोर, ये क्यू फाइव, तो वाई को वाई रहने दे, राइट मूव, तो वाई अगले वाई को फिर लूप लगा दिया, वाई को वाई, वाई को वाई। अब जैसे ही सारे वाई खत्म हो तो क्या मिलना चाहिए मुझे, बी मिलना चाहिए, अगर बी मिल गया तो एक्सेप्ट है, और बी नहीं मिला, अगर एक भी वन मिल गया तो इसका नंबर ऑफ द जीरो से इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ द वन के, तो वाई खत्म होने पर अगर बी मिल जाता है तो बी को बी रहने दे, राइट मूव करें और हम एक्सेप्टेड बोल दें इसको, और हम पहुंच जाएं फाइनल स्टेट्स पर, सपोज दैट स्टेट इज क्यू सिक्स, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा ऑटोमेटा हमारा डिजाइन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑटोमेटा के अगले लेक्चर में आएंगे, और उसके बाद हम हाल्टिंग प्रॉब्लम्स पर आ जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑटोमेटा का, राइट।